हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। संसद के बाहर पीएम मोदी के इंतजार में खड़ी रही 8 साल की बच्ची, लेकिन क्यों? क्लाइमेट चेंज यानी वायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग आज हम सबके लिए बड़ी चुनौती है। ये एक दूसरे का पर्याय है समस्याओं का। वायु प्रदूषण, जल संकट, सूखे और बादल की स्थिति दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन अफसोस कि देश और दुनिया, राजनीति, खेलकूद, सोशल मीडिया पर ट्रोलबाजी ज्यादा दिलचस्पी हो रही है। इंसान इंसान जानवरों का जीना दुभर हो रहा है, हम इस संकट को नजरअंदाज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में संसद के बाहर तख्ती लेकर मैसेज लेकर खड़ी हो गई लाइसीप्रिया, जो सिर्फ 8 साल की है, लेकिन वो हमसे समझदार है। वो जानती है कि बेहतर भविष्य चाहिए तो धरती को बचाना होगा। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो तख्ती लेकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि श्रीमान मोदी सांसद, जलवायु परिवर्तन कानून को पास करें और भविष्य को बचाएं। छोटी सी बच्ची कहती है कि मैं और मेरे प्रधानमंत्री सांसदों से अपील करती हूं कि वो जलवायु परिवर्तन के मामले में एक्शन लें और भविष्य को सुरक्षित करें। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही है, कार्यवाही होनी चाहिए। तो कैसी लगी ये खबर, आपको कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।